तो आज हम जा रहे हैं राशन लेने के लिए और मैंने पहना है ये येलो ड्रेस। तो चलिए चलते हैं बिग बाजार और बिग बाजार से लेते हैं राशन। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं जैसे हम आए हैं पंडरी के सिटी सेंटर मॉल और यहाँ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी है और साथ में कुछ कुर्ते वगैरह भी देखने हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। जा रहे हैं अंदर और सबसे पहले जाएंगे बिग बाजार। अभी तो हम एक्सकेलेटर पे चढ़ने पे बिल्कुल प्रो हो गए हैं, लेकिन जब नए नए यहाँ मॉल खुले थे तब मुझे इस पे पैर रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। अब यूज़ टू हो गए हैं क्योंकि मॉल हम जाते रहते हैं और एक्सकेलेटर्स पे चढ़ना मस्ट है। तो आ गए हम मॉल के बेसमेंट में और यहाँ है इसका बिग बाज़ार। तो सबसे पहले जाएंगे बिग बाज़ार, थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी लेनी है वो ले लेंगे। साथ ही में यहाँ पर फैशन बाज़ार भी है, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ कलेक्शन मिल जाएगा समर का, कुर्तों का कलेक्शन। तो यहाँ समर्स में बहुत अच्छे कलेक्शन आता है, कॉटन के एकदम सॉफ्ट लाइट कुर्ते रहते हैं, काफ़ी रीज़नेबल भी रहते हैं। तो मैं अक्सर यहाँ से घर पहनने के लिए कई कुर्ते ले लेती हूँ, तो वही आज हम यहाँ पर अच्छा देख रहे हैं। वाइट मुझे अच्छा लगता है, वाइट के ऊपर अच्छा लगेगा। देखिए येलो भी अच्छा है। तो यहाँ पे सारा समर कलेक्शन आ गया है, बहुत सारे कॉटन के कुर्ते हैं। ये वाइट पैच का ही कर दिया, वाइट प्लाजो पे है ना। तो आए तो यहाँ राशन लेने हैं, बट यहाँ सूट के सेक्शन में घुस गए हैं, देख रहे हैं कुछ अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो फिर बाहर जाएंगे। मुझे येलो बहुत पसंद है तो मेरी घूम फिर की नज़र येलो पे ही आ जाती है। ये बहुत ही अच्छे रीज़नेबल और लाइट कुर्ते हैं, इनको आप मिक्स मैच करके लेगिंग्स के साथ में, जीन्स के साथ में, शलवार के साथ में कंफर्टेबली घर में पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट जाते हैं घर के ड्रेस के हिसाब से। और अब आ गए हम ग्रॉसरी स्टोर में, तो यहाँ से करते हैं कुछ शॉपिंग। जब भी मैं ऐसे ग्रॉसरी शॉपिंग में आती हूँ लिस्ट बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं ज़्यादा सामान ले जाती हूँ। राइस आटा, चावल का आटा लेते हैं थोड़ा सा। तो शॉपिंग करने का ये रूल होना चाहिए कि आप जब भी किसी भी चीज़ की शॉपिंग करने जाएं, चाहे कपड़ों के लिए, चाहे ग्रॉसरी के लिए, चाहे शूज़ के लिए, तो आपके दिमाग में आपका बजट होना चाहिए और आपकी ज़रूरत की चीज़ें, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना ख़रीदें। तो ये मैं बिग बाज़ार अक्सर आती हूँ, बट ये जो है ये पंडरी वाला मॉल है, मैं जाती हूँ अंबुजा मॉल। तो वहाँ पे सब चीज़ें सेट हैं, समझ में आती हैं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैं यहाँ कम। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को प्लान कर कर आप चाहे ग्रॉसरी की शॉपिंग पे आए, चाहे किसी भी चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ें प्लान कर लीजिए कि ये ही लेना है, इसी बजट में लेना है, तो आप बहुत क्लियर रहेंगे, आपके थॉट्स क्लियर रहेंगे और साथ साथ आपका पैसा भी वेस्ट होने से बच जाएगा। शैम्पू लेना, हो गई हमारी यहाँ की शॉपिंग। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम बाहर, थोड़ा बहुत सामान लेना था। चीज़ मतलब दोनों मिक्स है, मतलब चिकन के अंदर चीज़ है ना, ले लो। तो इस मॉल में एक ये स्पेशल शॉप है नेम प्लेट्स की, यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर से नेम प्लेट्स मिलते हैं। तो यहाँ दो सेकंड में रुक गई थी हम सेंट्रल, यहाँ पे देखते हैं कुर्ते। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता है, ये काफ़ी पुरानी शॉप है यहाँ की और बहुत सारा वैरायटी यहाँ भी देखने मिलेगी, बहुत सारे अलग अलग रेंज भी रहते हैं। तो आप अपने दिमाग पर सेट रखिए कि आपको कौन सी रेंज में कैसा पैटर्न लेना है, तो आप बहुत इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैं यहाँ पर सोच कर आई थी, मुझे वो पैटर्न लगा था कि वेस्टर्न वेयर्स में मिल जाएगा, बट वेस्टर्न वेयर में मुझे वैसा पैटर्न नहीं मिला। उसके बाद मैं गई इंडियन वेयर में और काफ़ी ढूंढने के बाद तकरीबन एक डेढ़ घंटा मैंने यहाँ शॉपिंग, विंडो शॉपिंग की, उसके बाद मुझे वो ड्रेस मिला जो मुझे लेना था। तो इस तरीके से मैं अपने चीज़ों को क्लियर करती हूँ। यहाँ आए हैं कोई कुर्ते देखने, तो फाइनली यहाँ से हो गई थी हमारी शॉपिंग डन। तो
ले लिया यहाँ से एक ड्रेस मैंने, अब मैं शाम को पहन के दिखाऊंगी कि ये कैसा दिख रहा है। बस चलते हैं घर। जब हमको कहीं जाना होता है और प्रिपरेशन करनी होती है यानी मेकअप करना होता है, तो चेहरे पे बहुत सारा मेकअप लगाना कई बार हमारा बहुत बेस होना चाहिए, स्मूदिंग होना चाहिए और चेहरे के अंदर जो ये जो पोर्स वगैरह हैं ये सब बंद होके चेहरा बहुत क्लीन दिखना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमको मेकअप से पहले बर्फ़ से मसाज करनी चाहिए। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो लोगों को मालूम है, बट मैं क्या यूज़ करती हूँ चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद दिखाऊंगी मैं अपना मेकअप का लुक कि कैसा आता है। तो हमारा पूरा फोकस होता है कि हमारा मेकअप बहुत अच्छे से अंदर जाए, इंडल्ज हो स्किन में, पोर्स बंद हो, बहुत अच्छे से हमारी स्किन ग्लो करे मेकअप के साथ में। तो हम कोल्ड क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं तो उससे भी आपके चेहरे में कई बार ग्लो आ जाता है। अभी मैंने लगाया है चारकोल मास्क, इसके पहले मैंने की थी ब्लीचिंग और इसके बाद मैं करूँगी मेकअप। तो ये वाला मास्क है जो मैंने अपने चेहरे पे अभी यूज़ किया है और ये वाला ब्लीच था जो मैंने यूज़ किया उसके पहले। तो मेकअप कर हो गए थे हम रेडी और ऐसा आ गया था मेरे चेहरे में ग्लो। मैं ब्लीच हर बार यूज़ नहीं करती बट हाँ मैं फेस मास्क हमेशा यूज़ करती हूँ मेकअप के पहले, क्योंकि उससे आफ्टर मेकअप जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। और ये था मेरा पूरा कंप्लीट ड्रेस लुक जो आज मैंने शॉपिंग की आपके साथ में। तो ये वीडियो और मेरा मेकअप लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।